और मैं आज एक और न्यू व्लॉग लेकर आ चुका हूँ और ईद ख़त्म हो चुकी है और मैं आपको अपने पर्स के पास लेके चलता हूँ। चलेगा इस ऊपर जाने से पहले मैं आपको अपनी छोटी बहन की इतनी सारी ड्राइंग और इतनी सारी चीज़ें दिखा दूँ जो उसने इतनी अच्छी बनाई है। देख सकते हैं मेरी छोटी बहन ने इतनी सारी लेस के पैकेट बनाए हैं। ग्रीन वाली लेस है, ये ऑरेंज वाली, ये रेड वाली है, ये वो नमक वाली है, ये चीटोस है चीज़ वाला, ये लेस वो पैप्रिका है, ये डेयरी मिल्क है, ये स्किटल्स है। चलें ऊपर चलें गाइस ऊपर चलते हैं। गाइस मैं ऊपर आ रहा हूँ, मैं ऊपर आ चुका हूँ, चलें अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं ये होगोरोमो बर्ड्स हैं फ्लावर वाले। ये दूसरा वाला ग्रीन वाला, ये देख सकते हैं फिंच, भाई हमने बर्तन निकाले हैं। हम ये जो फंगा है ना इसको बाहर लगा कर ना इससे हम अपना बाजार साफ करते हैं पूरा। मैं आपको दिखाऊंगा साफ करते हुए। भाई मैं अभी पानी भरने जा रहा हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ पानी लाकर। भाई मेरे बाबा बाजरा साफ कर रहे हैं। ये बाजरा जो गंदा होता है, जो छिलके होता है, वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे आपने देखा वो जो साफ बाजरा होते हैं वो डब्बे के अंदर चले जाते हैं। तो देख सकते इतना साफ बाजरा हो गया है। तो देख सकते हैं मेरे लव बर्ड है। ये ब्रीड पे आ चुकी है ये मादी, ये अंडे देगी। जब इसके बच्चे निकलेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। भाई देख सकते हैं इसके अंदर एक मादी बैठी हुई है, इसने अंडे दिए हुए, वही रेड वाली मादी जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाई थी, अल्बाइनो वाली दूसरी मादी है। इसने अंडे दिए हुए, अंडे पे बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसका नर है ऊपर जो बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं ये पार ब्लू है, पार ब्लू बहुत महंगा है आपको पता होगा। तो ट्वेंटी थाउजेंड का ये पेयर है, लेकिन इसने अभी ब्रीड नहीं करी है। भाई मैंने अपने तोतों का दाना पानी कर लिया है और मैंने जावा की नहाते हुए रोटी भी बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगा। भाई मैं अपनी अपनी गली में जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए आपको दिखाता हूँ। भाई चलो नीचे चलते हैं। भाई नीचे आ चुका हूँ मैं, ये गेट खुला। भाई मेरे दोस्त घर जा चुके हैं तो क्रिकेट खेलना कैंसिल हो चुका है। तो मैं आपको अपनी मैं मेरे पास जो मैं घर में करता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं ये जो वो रहा है मैंने जो क्रिकेट खेला था वो, उसकी साइकिल है ख़राब हो गई है। ये मेरी छोटी बहन की साइकिल है और ये देख सकते हैं आपकी भाई की साइकिल आ चुकी है। ये मेरी साइकिल है, इसमें तकरीबन 10 घेरे हैं या फिर 9 घेरे हैं और इसमें अभी हवा नहीं है, हवा नहीं है इसमें, इसलिए मैं चला नहीं रहा हूँ वरना टायर खराब हो जाएगा। चलो ऊपर चलते हैं आपने। भाई ऊपर जा रहा हूँ अभी तो। चलें भाई लोग मैं अभी अपनी छत पे जा रहा हूँ। ओ भाई अब व्यू तो चेक कर सकते हैं यार,
क्या व्यू है ये देख सकते हैं। और आज 11 बजे बहुत तूफानी बारिश हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, देख सकते हैं पूरी गली गीली हो रही है हमारी, और थोड़ी तेज भी हो रही है अभी। चलें गाइस मैं अपने बर्ड्स के पास लेके चलता हूँ आपको। भाई मैं आ चुका हूँ अपनी छत पर, ओ भाई इतनी तेज है वो, पूरे मेरे बर्ड्स की हालत हो गई होगी। क्या कर रहे हो भाई तुम? यार मुझे वाइट वाला जिसके सर में येलो ताज है मुझे बहुत प्यारा लगता है। और ये ब्लू वाला भी इतना प्यारा है माशाल्लाह से। और ये वाले देखें, अरे उड़ गए। गाइस अभी मैं नीचे जाने लगा हूँ, अभी मेरे बाबा जब आएंगे ऊपर तो मैं ऊपर आऊँगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। तो भाई लोग मैंने नाश्ता कर लिया है, और मैंने नाश्ते में सालन और रोटी खाई है, और अभी मैं आपको अपनी बहन जो रस्सी कूदते हैं ना वो आपको मैंने खाता हूँ मेरी बहन कैसे करती है। देखें दोबारा कूद रही है रस्सी। अबे यार चलो मैं रस्सी कूदता हूँ। गाइस मैं रस्सी कूदता हूँ, फिर आप देखना मैं कैसे कूदता हूँ रस्सी। गाइस मैं भी इतनी अच्छी रस्सी कूद नहीं पाता यार, टांग दर्द कर जाती है सच्ची में। आप देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी है, मुझे फिंच बहुत अच्छी लगती है लेकिन मैंने ना इतनी रखी भी नहीं है। ये दूसरी वाली फिंच माशाल्लाह। और ये देख सकते हैं ऊपर मादियां बैठी हैं, ये ऊपर जो एक नीचे वाला नर का पिंजरा है और ये मादी का पिंजरा, हमने इनको रेस्ट पे डाला हुआ ताकि इनके बच्चे ख़राब ना निकले। यार इनके असल में ना बच्चे बहुत ख़राब भी कर लेते हैं। और ये इनके बच्चे हैं, ये जो बच्चे निकले हुए ना सारे ये इनके ही बच्चे हैं, ये नर वाला पिंजरा है और ये मादी वाला पिंजरा है, ये बच्चे ही इन दोनों नर मादी के हैं, हमने अलग किया हुआ है। अभी हम दोबारा ब्रीड लेंगे। और ये पिंजरा हमारा पूरा भरा हुआ था बजरियों से, हमने इसको खाली किया है, हमने कोई न्यू ब्राइड ही लानी थी तो इस वजह से हमने ना पिंजरा खाली करा हुआ है। अभी हम जावा और लाएंगे, अभी हम जावा इतने सारे ले आएंगे, हम ये जो लवबर्ड है हम इनको बेच के जावा बहुत सारे लाएंगे। चलें आप लोग जावा को देख लें, आप लोग जावा को देख लें मेरे प्यारे से जावा। ये सारे माशाल्लाह से अडल्ट हो गए हैं, अभी इनको अंडे बच्चे कराने हैं, ब्रीड करेंगे ये लोग, फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी ब्रीड कैसी होती है। आप लोगों को पता है गाइस हमारे पास पहले ना खाली मिट्ठू होता था, हमारे पास खाली एक मिट्ठू होता था, नहीं दो मिट्ठू होते थे, और हम लोग ना इसको इस पिंजरे में रखते थे शौक के लिए, इस पिंजरे में थे दो मिट्ठू बड़े थे, हमने ना शौक ले रखे हुए थे, तो फिर हमने ना ये वाले पिंजरे पे आए थे हम, फिर हम ये वाला पिंजरा लेकर आए थे। मेरे ना बाबा के दोस्त ने ना उनको पिंजरा दिया था, इसमें पूरे बजरी भरे हुए थे, तो हमने ना बजरियों की जब ब्रीड आएगी ना तो हमने ना जब हमें उसको हमने जो बेचा उसको हमें उसके पैसे मिले, फिर हम होगोरोमो खरीदे। ये असल में इनको होगोरोमो कहते हैं जिनके पीछे फ्लावर होते हैं, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारे होते हैं, तो हमने इनको ख़रीदा। ये 4000 का
यार होता है तकरीबन, और ये वही है हुगुरुमु सारे जो हमने इन पैसों से खरीदे हैं, इनकी ब्रीड लेकर हमने ना इनके बच्चे निकले हैं और बाकी हमने सारे बेच दिए हैं। और हमारे पास वो क्या बोलते हैं डव भी थी, हमने डव भी बेच दी क्योंकि हमें बड़ी बड़ी चीज़ें रखनी थी, जैसे कर अब ये लुटीनो हो गया, ये सब हो गया, अल्बाइनो हो गया, ये सब। चलें गाइस अभी हम पिंजरे से बाहर निकलने लगे हैं, मैं सबका पहले पानी चेक कर लेता हूँ सबका पानी है फिर मैं नीचे चलता हूँ। भाई सबका पानी जा रहा है, सब कुछ है, अब बस मैं बाहर निकलने लगा हूँ। देखें मेरे बाबा ने बनाया क्लब सैंडविच, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। बाबा आ रहा है शीशे से। कल को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मस्त कर दीजिएगा, मिलते हैं कल के व्लॉग में, ओके अल्लाह हाफिज़।